आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है दो कुंडलियां एक व दो का प्रतिरोध आर व अन्योन प्रेरकत्व एम है। कुंडली एक में विद्युत धारा आई वन जो समय के साथ परिवर्ती है आई वन इक्वल टू दिया गया के इंटू टी के स्क्वायर से धारा प्रवाहित है, जहां के नियतांक व टी समय है। कुल आवेश जो कुंडली दो में टी बराबर जीरो व टी बराबर कैपिटल टी के मध्य प्रवाहित है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है कुल आवेश जो कुंडली दो में टी बराबर जीरो से लेकर टी बराबर कैपिटल टी के मध्य प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं एक और दो क्या है, हमारा दो कुंडलियां हैं। ठीक है, तो पहली कुंडली का मान लिया जाए स्वप्रेरकत्व एल वन और उसी प्रकार दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व यह है एल टू। ठीक है, तथा इन दोनों कुंडलियों का जो अन्योन प्रेरकत्व है यह है कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ से पहली कुंडली में बहने वाली धारा यह है आई वन। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से दूसरी कुंडली में बहने वाली धारा यह क्या है, यह है आई टू। ठीक है, तथा यहाँ से दिया गया है हमें आई वन का वैल्यू कितना है, आई वन इक्वल टू दिया गया है के इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तथा प्रत्येक कुंडली का जो प्रतिरोध है इसका वैल्यू दिया गया है आर। ठीक है, तो यहाँ से आई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, आई टू ये हो जाएगा हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फलस्वरूप क्या होगा, इस दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का वैल्यू होगा, ये होगा एम डी आई वन बटे डी टी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा एम इंटू डी बटे डी टी, आई वन का वैल्यू कितना है, यह है के इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एम इंटू इसको टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हो जाएगा टू के टी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा टू के एम इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से आई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई टू इक्वल टू यह है प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे आर। तो यहाँ से ये हो जाएगा टू के कैपिटल एम इंटू टी बटे हो जाएगा आर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कुल आवेश। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वैद्युत धारा आई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डी क्यू बटे डी टी होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है कुल आवेश जो कुंडली दो में टी बराबर जीरो से टी बराबर कैपिटल टी के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ से आई टू इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू टू बटे ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, और यहाँ से आई टू इक्वल टू कितना है, आई टू इक्वल टू यह है टू इंटू कैपिटल टी इंटू कैपिटल एम इंटू टी बटे यह है आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू टू बटे हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो यहां से डी क्यू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू के एम इंटू टी बटे हो जाएगा आर इंटू डी टी। तो यहां से अगर दोनों पक्षों में समाकलन कर दे, ठीक है, तो यहां से समाकलन ये हो जाएगा डी क्यू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा समाकलन टू के कैपिटल एम इंटू टी बटे आर इंटू हो जाएगा डी टी। ठीक है, और हमें जो हमारा आवेश है उसका वैल्यू निकालना है टी बराबर जीरो से लेकर टी बराबर कैपिटल टी के मध्य। तो यहाँ से लिमिट हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी बराबर कैपिटल टी तक। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्यू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से टू इंटू के इंटू एम बटे आर क्या है कॉन्स्टेंट तो आ जाएगा बाहर, और टी का समाकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटे दो, लिमिट हो जाएगा जीरो से कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ से Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू के इंटू एम बटे आर, और यहाँ से लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर बटे दो माइनस हो जाएगा जीरो का स्क्वायर बटे दो। ठीक है, तो यहाँ से Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू के इंटू एम बटे आर इंटू ये हो जाएगा कैपिटल T बटे दो। तो यहाँ से दो दो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा जो आवेश है दूसरी कुंडली में उसका वैल्यू कितना गया, यह आ गया के इंटू एम इंटू टी का स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।